ठीक है, तो अब हम लोग आगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में मैं जो है आपको बता रहा था अंडर रिम्ड पाइल में कैसे जो है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो इसमें केस वन, व्हेन वाल्व इज़ वेरी नियर टू टिप, है ना, टिप मतलब जो हमारा बेस है पाइल फुटिंग का, उसके एकदम बेस के नियर जो है आपका जो है बल्ब प्रोवाइड किया गया है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है एल डैश जो है वो क्या हो जाएगा, एल माइनस टू बी फॉर डिज़ाइन पर्पस के लिए, इफ़ नेसेसरी अदरवाइज एल डैश इज इक्वल टू एल भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन पर्पस के लिए एल डैश इज इक्वल टू एल माइनस टू बी करेंगे, ठीक है, बट नेसेसरी नहीं, इफ़ नेसेसरी अदरवाइज, अगर नेसेसरी नहीं है तो भाई हम लोग एल डैश इज इक्वल टू एल ले लेंगे, है ना, टोटल लेंथ ऑफ पाइल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये जो एल डैश है वो कौन सा एल होगा, ये वाला एल डैश होगा, ठीक है। तो क्यू यू पी इज इक्वल टू 9C π/4 बी यू का स्क्वायर प्लस α c/π b l-, है ना, ये जो है एल डैश, यहाँ पे जो एल डैश है ये वाला जो है वैल्यू, यहाँ पे हम लोग इसके इक्विवेलेंट ले लेंगे ये एल के, अदरवाइज 2-b जो है इसमें कर देंगे। ये स्टीम और सेफ्ट जो है ये हमारा कहलाता है, ये कब हो रहा है, जब टिप के नियर होगा, और अगर इफ बल्ब इज अवे फ्रॉम द टिप, टिप से मतलब ऊपर है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है दो तरीके का, यहाँ पे C1 आएगा, यहाँ पे C2 आ जाएगा, ऊपर में C3 आ जाएगा। तो यहाँ पे QUP इज इक्वल टू आ जाएगा 9C1 π/4 b² + 9C2 π/4 bu² - π/4 b² + α C3 π b l, ये जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग फार्मूले जो है, फॉर देखो फार्मूलेज चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बस फार्मूला तो एक ही है। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला आपका सिंपल है, क्यू यू पी इज इक्वल टू क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ, है ना, फार्मूला जो है आपका यही है, फार्मूला आपका यही है, बस इसी में जो भी वैल्यू आया उसको बस पुट करते गए और आंसर जो है चेंज हुआ आते गया, लेकिन मेजर जो फॉर्मूले हैं वो यही है, इसी में आपको सारी वैल्यू पुट करना है, क्यू यू बी का और क्यू एस एफ का, राइट। व्हेन लोअर बल्ब इज क्लोज टू टिप, है ना, लोअर बल्ब, यहाँ पे मल्टीपल बल्ब लगाएं तो जो नीचे वाला बल्ब है वो क्लोज है, टिप के नज़दीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ये एल टू हो जाएगा, एल वन हो जाएगा, C3, C2 और C1, ये बी यू हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो क्यू यू पी इज इक्वल टू 9C1 π/4 bu² + C2 π bu l² + C α C1 π b l1, ठीक, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर बात किया जाए अगला केस, तो लोअर बल्ब जो है थोड़ा ऊपर रहे टिप से, तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये फिगर आएगा, और इस कंडीशन में हमारा C1, C2, C3, C4 और L2 और L1 यहाँ पे कर सकते हो, है ना, L1 ही है, L1। तो हमारा QUP इज इक्वल टू आ जाएगा 9C1 π/4 b² + 9C2 π/4 bu² - π/4 b² + C3 π bu l² + α C4 π bl1, है ना, ये जो है हमारा होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो है डायनेमिक मेथड के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक मेथड क्या है, ये बेस्ड है हमेयर टेस्ट के ऊपर, जो डायनेमिक मेथड है ये बेस्ड है डायनेमिक एक्शन ऑफ हेमर टेस्ट के बेसिस पे ये जो है वर्क करता है। तो सबसे पहला बात करेंगे इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फार्मूला। तो इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फार्मूला डायनेमिक मेथड में, जिसको ENR फार्मूला कहा जाता है, इसमें जो है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है कैलकुलेट करते हैं। तो QUP इज इक्वल टू WH/S+C और QAP इज इक्वल टू QUP बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी
जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कब, फॉर ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर में, और क्यू यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू प्लस ए पी का होल इंटू एच बाई एस सी, या क्यू ए पी इज इक्वल टू क्यू यू पी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये डबल एक्टिंग हैमर के लिए। यहाँ पे जो W है ये वेट ऑफ हैमर है, H जो है हाइट ऑफ फ्री फॉल है हैमर का, है ना, S जो है सेट है यानी पेनिट्रेशन ऑफ पर ब्लो ऑफ हैमर कितना हो रहा है, ये जो है जनरली टेकन एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट फाइव ब्लो ऑफ ड्रॉप हैमर, ड्रॉप हैमर में लास्ट फाइव ब्लो का लेते हैं एवरेज, और स्ट्रीम हैमर में जो है हम लोग लास्ट 20 ब्लोज या 25 ब्लोज का जो है एवरेज लेकर चलते हैं। ए जो है फॉर्मूला में एरिया ऑफ पिस्टन या हैमर होता है ओवर विच स्ट्रीम प्रेशर इज अप्लाइड, जहाँ पे स्ट्रीम प्रेशर अप्लाइड होते हैं। सी जो है ये कांस्टेंट होता है जिसको कंसीडर किया जाता है इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल और एंड सॉइल, जो कि सेंटीमीटर में होता है, जिसका वैल्यू जो है जनरली ड्रॉप हैमर के लिए 2.5 सेंटीमीटर और सिंगल या डबल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर के लिए 0.25 सेंटीमीटर जो है सी का वैल्यू जो हम लोग लेकर चलते हैं। ये इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड फार्मूला के बेसिस पे जो है ये आपका होता है। उसके बाद है हेलीज फार्मूला, ये जो है आईएस कोड के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, है ना, क्यू यू पी इज इक्वल टू एन एटा बी गुने एटा एच डब्ल्यू एच एस प्लस सी बाई टू, तो क्यू ए पी इज इक्वल टू क्यू यू पी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कितना लेकर चलेंगे, तीन, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है तीन लेकर चलेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू जो है वेट ऑफ हैमर है, एच जो है फ्री हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर, एस जो है पेनिट्रेशन पर ब्लो और सेट, सी जो है इलास्टिक कॉन्स्टेंट है विच अकाउंट फॉर पाइल कैप और सॉइल इलास्टिक कॉन्ट्रैक्शंस, एन ईटा एच जो है इफिशियंसी ऑफ हैमर है विच डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हैमर, ईटा एच जो है ड्रॉप हैमर के लिए वन लेकर चलेंगे, सिंगल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर के लिए जो है हम लोग ईटा का वैल्यू 0.75 to 0.85 लेकर चलेंगे, और 0.7 to 0.8 लेकर चलेंगे डबल एक्टिंग स्ट्रीम हैमर के लिए। ईटा बी जो है ये कोफिशियंट ऑफ हैमर है ब्लो, है ना, हैमर का जो ब्लो है उसका, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हैमर आफ्टर इम्पैक्ट टू एनर्जी ऑफ हैमर बिफोर द इम्पैक्ट, है ना, आफ्टर इम्पैक्ट और बिफोर इम्पैक्ट का जो रेशियो है एनर्जी का, वो जो है हमारा कोफिशियंट ऑफ हैमर ब्लो देता है। ये जो है डिपेंड करता है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस पे, है ना, जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस होता है उसके ऊपर बिटवीन हैमर और पाइल, हैमर और पाइल के। ईटा बी जो है डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी बाई डब्ल्यू प्लस पी होता है जब डब्ल्यू ग्रेटर देन ई पी हो, है ना, ई पी से जब वो बड़ा हो तब, और ईटा बी जो है डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी बाई डब्ल्यू प्लस पी माइनस डब्ल्यू माइनस ई पी बाई डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर, ये कब होगा, जब डब्ल्यू ग्रेट लेस देन इक्वल टू हो, है ना, लेस देन इक्वल टू हो ई पी से। यहाँ पे वेट डब्ल्यू जो है वेट ऑफ हैमर, ई जो है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑन बिटवीन पाइल एंड हैमर, और पी जो है वेट ऑफ पाइल एंड पाइल कैप। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्री कास्ट कंक्रीट पाइल है जो कि ड्राइव किया जा रहा है विद 50 किलो न्यूटन हैमर फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 मीटर विद कोफिशियंट ऑफ 0.5, है ना, तो सेट वैल्यू जो ऑब्जर्व किया गया है वो दिया गया है 5 mm, है ना, सेट वैल्यू या पेनिट्रेशन जो हमारा था वो, एंड कंबाइंड टेम्पररी कंप्रेशन ऑफ पाइल क्यूजन्स एंड ग्राउंड इज 6 mm एज पर मॉडिफाइड हैली फॉर्मूला द अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ पाइल क्या होगा, चार ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे एच जो है 1 मीटर यानी 1000 mm, डब्ल्यू जो है 50 किलो न्यूटन,
एन का वैल्यू जो है 0.6, एस का वैल्यू जो है 4 mm, सी का वैल्यू 6 mm, तो क्यू यू पी इज इक्वल टू हमारा ईटा एच इंटू ईटा बी डब्ल्यू एच बाई एस प्लस सी बाई टू, तो 0.6 गुने 50 गुने 100 बाई 4 प्लस 6 बाई टू, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 4285.7 किलो न्यूटन, ये जो है आपका आ गया। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का सवाल आ रहा होगा कि आप ईटा एच और ईटा बी की जगह पे एक ही वैल्यू लिए, यहाँ पे दो वैल्यू क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशंस की मदद से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो नहीं भाई, रेस्टिट्यूशन की मदद से कैलकुलेट क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें इफिशियंसी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हैमर जो है हमारा ड्रॉपिंग हैमर है, तो ड्रॉपिंग हैमर के लिए तो हमारा वैल्यू तो ईटा एच का दिया हुआ रहता है कि 1 लेकर चलना है, तो 1 पुट कर दिए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि 1 गुने 0.6 गुने 50 गुने 1000, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू तो आपको वही रह जाएंगे जो आपको आने वाले हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपको बेटर सॉल्यूशंस और अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके।